गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज चांद रात है, शायद मे भी आज चांद रात हो या फिर कल हो चांद रात। तो आज देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके से हम आज की चांद रात मनाते हैं। चले आप लोगों को भी दिखाते हैं, हम अपने पौधों को पानी देते हैं यार, थोड़ा सा पानी इधर पौधे ज़रा थोड़े प्यासे से लग रहे हैं। पानी दे दिया है अब पौधों को, अब देखते हैं असर की अजान भी होने, असर की अजान हो गई है, तो फिर असर की अजान का एहतराम करते हैं, तो मिलते थोड़ी देर के बाद। 5 minutes later चांद रात हुई तो इसका मतलब ये है कि अजान भाई को भी एहतिकाफ से लेने जाना पड़ेगा। नमाज की तरफ रवानगी है भाई, नमाज की तरफ जा रहे हैं हम। आज तो भाई बहुत रश हो रहा है, रश ही रश हो रहा है मार्केट में, रश ही रश है आज तो भाई। बैंक में देंगे देख रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके चला गया बंदा, ये बेचारा नबील जो हमारा जा ही नहीं पा रहा, ये बेचारा फंस गया है। आवाज भी लगा कर आया हूँ मैं, अब यार नबील मैं तो बोलता हूँ आगे लेकर चले जाते हैं। टाइम कुछ हो रहा है 6:42 और लाइट भी चले गई है, अब तारीख आखिरी है आज, और आज के दिन लाइट चली गई, मतलब यार मतलब आप हद देखे हैं चांद रात वाले दिन में भी शायद चांद रात हो सकती है, उसमें भी लाइट बंद कर दी इन लोगों ने, दुकान बंद कर दी और लाइट नहीं आया अभी तक। 6 जो है कितने हो रहे हैं टाइम देखते हैं, 6:50 हो रहे हैं। 5 minutes later यार अभी तक जो है लाइट नहीं आई है, पूरे एरिए की लाइट गई हुई हमारे, सन्नाटा अंधेरा खूब हो रहा है। अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने मगरिब की। चांद का इंतजार कर रहे हैं सारे लोग, चांद देख रहे हैं। हाँ भाई चांद नजर आ गया क्या बेटा, और से देख चांद अंदर ही बैठा हुआ है। ओहो चांद, सुभान अल्लाह। नमाज के बाद खाने खाना वाना खाते हैं लोग सारे, मगरिब की नमाज करने के बाद। चलो भाई ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, मुबारक भाई। अजान, ओ वाह तू यहाँ पर है, अजान में क्या हाल है, कहाँ थे तुम यार, और इबादत वबादत चल रही है, ओ ये सो रहा है। ये हमारा अजान भाई का बिस्तर है भाई, ये वाद भाई का बिस्तर था अब नहीं होगा। देखो यार 4 हो रहे हैं और अब तक जो है लाइट नहीं आई है हमारी एरिया, अब यार हद हो गई यार हद। आज तो चांद रात हुई नहीं और लग रहा था कि भाई चांद रात कर देंगे ये लोग, मतलब हमेशा की तरह ना, ऐसे रमज़ान हुआ है कि भाई रोज़ा हो रहा हो गया, अगले दिन रोज़ा है तो भाई 11 बजे तक इंतज़ार करता रहा, कोई चांद रात नहीं आई। ठीक है तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 4:22 हो रहे हैं और मैं अब चलता हूँ सैरी करने के लिए। चलें आप वो भी लेके चलता हूँ भाई, आज अम्मी ने सैरी में क्या क्या बनाया है। ठीक है फिर चलते हैं, फिर देखते हैं ऊपर क्या होता है। भाई हम गए थे ऊपर क्या कहते हैं सैरी करने के लिए, अब घर वालों ने बोल दिया कि भाई जो है सैरी देने जाओ भाई को छोटे वाले, चलते हैं मतलब सैरी देने के लिए। और गए भाई हम सैरी देने के लिए दोस्त मस्जिद में, भाई 15 मिनट रह गए सैरी बंद होने में, आप जल्दी जल्दी भागते हैं जाते हैं घर पे और अपनी सैरी करते हैं।
नाटक इतना हो रहा है भाई, ठीक ठाक सब बैठा है। वो भाई थक गए यार, थक गए। चलो भाई चले। पराठे और अंडे तैयार हो चुके हैं। बेगम साहब चाय निकाल ली है, पराठे बना रही है। बेगम ने हमारी चाय निकाल ली है। थक गया मैं यार, जाओ जाओ। हमारे पास स्टू, पराठे, अंडे, चाय, सैरी कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह से पानी वानी भी पी लिया था। फजर की अजान हो गई है, फजर की अजान हो रही है, हाँ तो भाई दोस्तों अजान भी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने नियत भी कर ली है। अब इस सौम ही गदन नवे तो इंशाल्लाह रमजान, तो आज के रोजे की नियत कर ली है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और तो फिर दोस्तों नमाज पढ़ते हैं अभी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड कमेंट। दोस्तों प्लीज़ मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोग का प्यार से मुझे एक उम्मीद मिलती है कि हाँ यार लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।